मौजूद रहे। ये साबित करता है कि हाँ, आने वाला साल भोजपुरी इंडस्ट्री के, खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात होगी और बड़ा शुरुआत हुआ है। क्या कुछ सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं और मोर पावर टू भोजपुरी, डेफिनेटली मोर पावर, क्योंकि जिस तरह से बाकी सिनेमा जो है, बाकी भाषाओं का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, उसी तरह मैंने जो पिछले दो सालों में देखा है, हमारी भोजपुरी फिल्में भी आगे बढ़ रही हैं। जैसे खेसारी जी की फिल्म आई थी संघर्ष, अलग तरह की फिल्म थी, पराग पाटिल ने डायरेक्ट की थी। मुझे फिल्म पर्सनली बहुत पसंद आई थी और यस, आई एम वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ भोजपुरी। मैं जबकि जम्मू से बिलोंग करती हूँ और मैं भोजपुरी भाषा में काम करती हूँ, सो ये मेरे तरफ से भोजपुरी भाषा का मेरी तरह का एक योगदान है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शायद मेरा इस मिट्टी से कोई नाता है पिछले जन्म का, जो इस जन्म में चुका रही हूँ। और यस, मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल यादव जब एक मंच पे साथ में खड़े हों तो अपने आप भोजपुरी की विजय हम लोग मानते हैं। और ये तो शुरुआत है अभी 2019 की, आज तो 2 ही तारीख है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे और भोजपुरी फिल्म्स जिस तरह का रहा है 2018 फिल्मों को लेकर, मुझे लगता है आगे आने वाला साल बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है? मेरे जीवन में बहुत सालों से काम चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना प्यार इतने सालों से आप लोग दे रहे हैं। कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ नया करूँ, कुछ हटके करूँ, तो शायद ये 2019 मेरा बहुत नया होने वाला है मेरी ऑडियंस के लिए। मैं बहुत जल्दी आई थिंक 2nd और 3rd मार्च को एक बहुत बड़ा खुशखबरी दूंगी और आप लोगों को स्पेशली सबको बुलाऊंगी भी, तो फिर आप सबको पता चल ही जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.